किसानों की आत्महत्या पर बागी हुआ जवान, इमोशन, एक्शन और डायलॉगबाजी का नया उन्माद। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। किसी भी फिल्म या कहानी, किसी भी कविता का संबंध जो है वो समाज से होता ही होता है। उसी तरह से इस फिल्म का भी संबंध जो है, इस फिल्म का सरोकार सीधा सीधा हमारे समाज से है, हमारे देश से है। इस फिल्म में जिस तरह से शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह कहे जाते हैं, किंग खान कहे जाते हैं, रोमांस ऑफ खान कहे जाते हैं, किंग ऑफ रोमांस कहे जाते हैं, ऐसे तमाम कई नामों से जो है उन्हें लोग जानते हैं, पहचानते हैं शाहरुख खान को। लेकिन इस फिल्म में, जवान फिल्म में अगर आप देखेंगे इसे, तो शुरुआत का जो एक घंटा है, उस शुरुआती एक घंटे में आप, मुझे लगता है कि कम से कम 3 या 4 बार इमोशनल ज़रूर हो जाएंगे आप, बिल्कुल ज़रूर हो जाएंगे। क्योंकि इस कहानी को इस तरह से बनाया ही गया है कि आपको इमोशन होना ज़रूरी हो जाता है। जब हम इस फिल्म को देख रहे थे तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस शाहरुख खान का फिल्म है भाई, उतनी कहानी तो इसमें होगी नहीं, उतना कुछ तो दिखाया नहीं गया होगा। बस होगा क्या भाई, शाहरुख खान है, लड़कियां आएंगी, प्यार मोहब्बत होगा, रोमांस होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिल्म की शुरुआत जब होती है तो उसके 20 मिनट के बाद समाज का एक ऐसा हिस्सा दिखाया जाता है, एक समाज में जो हमारे देश में जो घटनाएं घट रही है उस घटना को दिखाया जाता है। किसान हमारे देश में प्रत्येक दिन न जाने कितने किसान अपनी जान दे देते हैं कर्ज से आकर, कभी बेमौसम बरसात से आकर, बेमौसम जब होता है तो किसान का फसल बर्बाद हो जाता है। आप आए दिन खबर में पढ़ते ही रहते होंगे कि बारिश नहीं हो रही तो उससे किसान परेशान है, बारिश हो रही है तो कभी कभी जब बेमौसम बारिश हो जाती है तो हमारे किसान उससे भी परेशान हो जाते हैं। कई चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें जो दिखाया गया है, जब कोई व्यक्ति जो बड़ा होता है, बड़ी बड़ी कार खरीदती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदती है, मर्सिडीज फलाना ढिमाका, तो उनको जो है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उनका होता है 7 से 8% होता है। लेकिन जब हमारे देश का कोई किसान कोई ट्रैक्टर खरीदता है तो उससे ट्रैक्टर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो 13% होता है। जी हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ट्रैक्टर का 13% जो किसान चलाता है, जिस ट्रैक्टर से खेत को जोतेगा, जिस ट्रैक्टर से अनाज पैदा होगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% है। उसमें एक किसान ट्रैक्टर लेते हैं ब्याज पर, खरीदते हैं EMI पर, उसका भुगतान नहीं कर पाते हैं समय से, उसके बाद वो मालिक आते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें मारना पीटना शुरू कर देते हैं, अंत में आकर वो व्यक्ति किसान आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है मिनिस्टर की बेटी को जो एक उद्योगपति होते हैं उसकी बेटी को किडनैप कर लेते हैं और उसके बाप से पैसे ठगते हैं, और वो तमाम पैसा जो लिया जाता है उनसे फिरौती के तौर पर मांगा जाता है, वो गरीब किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये तो एक समाज की ये घटना हुई। दूसरी घटना जो उसमें सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा भी हो रही है, उसमें चर्चा इस चीज़ की हो रही है कि पिछले कुछ वर्ष पहले कफील खान, उत्तर प्रदेश में को कफील खान डॉक्टर हैं, और वहाँ जो ऑक्सीजन की कमी से जो है कुछ बच्चों ने अपना दम घुट गया, कुछ बच्चों की मौत हो गई। लेकिन उसमें हुआ क्या जानते हैं, उसमें हुआ ये था कि जो मौत का जिम्मेदार है, जिस डॉक्टर ने अपना सिलेंडर घर से लाकर, ऑक्सीजन सिलेंडर घर से लाकर कई बच्चों के जान बचाए, कई बच्चे तो मर गए, उसमें मौत हो गई कई बच्चों की, लेकिन उसमें जो है जो बच्चे थे उसमें जो मौत का जिम्मेदार बताया, उस डॉक्टर को ही बता दिया गया। लेकिन होता क्या है, उस फिल्म में जो दिखाया गया है कि जो सिलेंडर होता है हॉस्पिटल के लिए जो आता है, जो दवाइयाँ होती है, उन तमाम चीज़ों पर जो है लोग कमीशन खाते हैं, तब जाके अस्पताल में वो पहुंच पाता है। तो सिलेंडर नहीं हो पाता है तो वो जो डॉक्टर होती है वहाँ की सीनियर डॉक्टर, वो आगे अपने अधिकारी से मांग करते सिलेंडर का। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उस इलाके के, वो कहते हैं अरे तुमको जो करना है करो, ये जो है ऊपर से बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ये तमाम लोग खाते हैं, तब जा करके ये आता है। इसमें वक्त लग जाएगा इसलिए अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन 50 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। उसके बाद जो डॉक्टर थी उस डॉक्टर को भी फंसा दिया जाता है, वही होता है उत्तर प्रदेश वाला, कपिल खान वाला मामला होता है और बच्चे को उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। फिर आगे की कहानी जो इसमें है एक बहुत दिलचस्प है, वो भी हमारे देश पर आधारित ही है, हमारे समाज पर ही आधारित है। वो कहानी क्या है, जो हमारे सैनिक हैं वो लोग बॉर्डर पर जाते हैं, लड़ने जाते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, लेकिन उनके पास जो गन होता है, जो हथियार दिया जाता है,
उसका जो फैक्ट्री होता है जहाँ से वो बन के तैयार होता है, कभी कभी होता क्या है कि उसको नॉर्मल सामान दे दिया जाता है और वहाँ जाकर जब वो चलाना शुरू करते हैं तो नहीं चलता है। उस फिल्म में भी यही दिखाया गया है कि हथियार आता है सप्लायर के द्वारा और उसे दिया जाता है और उसे जंग के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन वहाँ उस हथियार का जब वो लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो बंद हो जाता है हथियार और उसके बाद तमाम जो सैनिक हैं मारे जाते हैं। उसमें क्या दिखाया गया, यही कि जो सप्लायर होते हैं, जो कंपनी, उस कंपनी के लोगों को का पर्दाफाश होता है, उस फिल्म में भी यही दिखाया गया है। तो इसमें कई चीज़ें हैं जो बिल्कुल बिल्कुल हमारे समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हमारे जिसका संबंध सीधा सीधा हमारे समाज से है। आखिरी में शाहरुख खान ये भी कहते हैं कि देख लीजिए, इस उंगली का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, इस उंगली का आप सही इस्तेमाल कीजिए। अगर आप वोट डालने जाते हैं तो वोट डालने वक्त, डालने से पहले आप उन नेताओं से ये ज़रूर पूछ लीजिए कि वो आपके लिए क्या करने वाले हैं, वे आपके बच्चों के लिए क्या करने वाले हैं। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक किया जाएगा, क्या शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाएगा, क्या हमारे देश में जो किसानों की ये स्थिति है, हमारे देश में जो किसानों की ये दुर्दशा है, क्या उसे सुधारने की कोशिश की जाएगी। शाहरुख खान अंत में इसी तरह की बात करते हैं और उसके बाद जो है, अगर आपने जवान मूवी देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, आपका आपको जो है सबसे अहम पार्ट इस मूवी का कौन सा लगा, आपको ये मूवी किस तरह से प्रभावित की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए प्राइम अड्डा, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।